कि जो बारिश का भी मौसम है तो हमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेड़ लगाएं। और पेड़ लगाने का फ़ायदा ये है कि जो नेचर है वो हमें बहुत तरीके से उसमें मदद करती है। अगर हरे भरे पेड़ हैं जहाँ पे, आप देखेंगे वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल भी कम होता है। जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा बढ़ा के रखते हैं, तो हर तरीके से उससे हमें फ़ायदा है। अगर हम लोग गर्मी में देखें तो जब भी पैदल चल रहे हैं, पेड़ के नीचे आ जाते हैं तो कितना आराम मिलता है। लेकिन अभी पेड़ क्या है, धरती से बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। लोग घर बना रहे हैं या कोई भी कारखाने बना रहे हैं, कल कारखाने, तो हर तरीके से पेड़ काटते जा रहे हैं। और पेड़ों की कमी की वजह से जो बहुत सारी गंभीर बीमारियां हैं वो देख रहे हैं कि हमारे अंदर घुसती जा रही हैं। तो दूसरा एक अच्छा काम है कि बारिश का जो अभी अवसर आया है मानसून का, उसका हम लोग फ़ायदा लें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार 25 करोड़ लगाने का बोल रही है तो मैं उसमें 5-10% 20% अगर बोलूँ कि पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे, नहीं लगेंगे, तो भी आप सोचिए, अगर मान लेते 20 करोड़ लोगों के लिए, अगर एक पौधा एक आदमी के लिए भी हो तो कितना उसको ऑक्सीजन जो फ्रेश हो मिलेगा। तो ऐसे अगर पूरे देश में ऐसे मुहिम चलाई जाए और ऐसे किया जाए तो बहुत ही बड़ा जो फ़ायदा है इंसान को मिलेगा। सुनमा मौसम हो रखा है और बारिश भी टिप टिप हो रही है थोड़ी बहुत, और काफ़ी शानदार। ये तो रहा जल संरक्षण की बात। दूसरा जो आज एक बहुत ही गुड न्यूज़ मिला मुझे न्यूज़ के थ्रू, समाचारों में मैं पढ़ रहा था कि आज उत्तर प्रदेश सरकार की जो कोरोना ने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है, उसके पीछे भी रीजन कोई और नहीं, हम ही लोग हैं, इंसान लोग ही हैं। हमने क्या किया, हर जगह पे प्रकृति को चैलेंज करना चालू कर दिया है। अब खाने के लिए क्या ज़रूरत थी, आप चमगादड़ खाएं ऐसा बोलने में आ रहा है, जंगली जानवर हैं उनको खाते हैं। अरे भैया, आपके लिए प्रकृति ने कुछ और बनाया खाने के लिए, आप अनाज खाओ जो आपके लिए आपने डिसाइड किया है, चिकन है, मटन है, फिश है, वो सब खाओ जो बना है, ना कि सब कुछ खाने लगोगे। आपको ऐसा तो कमी नहीं है धरती पे कि अभी धरती माता इतना नहीं उपजा रही हैं कि आपका पेट न भरे, लेकिन इंसान क्या हुआ, अपने एक बोलते हैं थोड़ी सी नॉलेज नहीं आ गई विज्ञान की, कि लगा ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंट करने, सारी चीज़ों में घुसने लगा, अब चमगादड़ खाने लगे लोग और बता रहे हैं कि उसकी वजह से कोरोना फैलाई। ठीक है, जो भी है उसके पीछे तो कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो प्रकृति है ना, उसको भैया हम लोग बोलते हैं कि भगवान के रूप में है, तो उसको जो है ना चैलेंज हमें नहीं करना चाहिए। और चैलेंज करेंगे तो रिजल्ट जो आज सामने है, वैसे आज नहीं फिर दोबारा कभी आएगा कुछ और तरीके से अपना बदला लेने के लिए, तो उसको आप छेड़ो मत। किस धरती पर आप एक परग्रही हो, कहाँ से आए हो कुछ पता नहीं है, तो आपको करना क्या है, इस धरती को सम्मान करो और जो उसके जो धरती माता का सम्मान करो और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसको ही फॉलो करो। प्रकृति का सम्मान करोगे तो प्रकृति आपको सम्मान देगी। अगर आप सम्मान नहीं करोगे इसको बर्बाद करने पे तुले रहोगे। आज जो फॉसिल जो ईंधन है, जो पेट्रोल है, डीजल हम जलाते जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं जिससे हमेशा वातावरण को हानि भी हो रही है, हानि ही हो रही है, हम उसका कुछ भला नहीं कर रहे। तो हमें बचाने के लिए जो अपना जो जल संरक्षण है, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाना है, वो सारी एक्टिविटी करनी है ताकि जो प्रकृति भी है हमसे खुश रहे। नहीं तो आज तूफान आ रहा है, कोरोना आ रहा है, कल भूकंप आएगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आएंगी, और प्रकृति हमेशा बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, अपना बैलेंस बना लेती है, तो ऐसे बैलेंस बनाती रहेगी, इसीलिए उसके साथ खिलवाड़ मत करें और उसको ज़्यादा हम लोग तवज्जो दें, इज्जत देंगे तो भी हमें इज्जत देगी, अगर इज्जत नहीं देंगे तो फिर किसी न किसी तरीके से फिर अपना जो है काम हो करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जो सब्सक्राइब का बटन है वो ज़रूर दबा लें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, और आपका सजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आपको अगर लगता है कि मुझे कुछ और सब्जेक्ट पर वीडियो बनाना चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में यहाँ पे नीचे ड्रॉप कर दीजिए, ताकि अगले ब्लॉग में मैं उसको कंसीडर करूँ आगे चल के, और मैं उस सब्जेक्ट पे भी वीडियो बना के आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँ। थैंक यू, जय हिंद। तो जो सब्सक्राइब का बटन होगा नीचे रेड कलर में, उसको दबा लें, साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले, बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक बटन दबा के जाएँ और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे आने वाले ब्लॉग्स की। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।